हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जीजी मोल्टेक में। आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा रेजिस्टेंस टाइमिंग इंजेक्शन मोल्डिंग। जो रेजिस्टेंस टाइम रहता है इंजेक्शन मोल्डिंग में, वो उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बट इस रेजिस्टेंस टाइम देखेंगे, इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टाइम देखेंगे, इम्पैक्ट ऑफ रेजिस्टेंस टाइम देखेंगे एंड देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस टाइम एंड रिफिल टाइम। दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब टू गेट लेटेस्ट वीडियोस एंड अपडेट, ताकि जो भी टेक्निकल वीडियो है सबसे पहले आप ही को प्राप्त। दोस्तों पहला टॉपिक रहेगा हमारा रेजिडेंस टाइम इन इंजेक्शन मोल्डिंग में। व्हाट इज रेजिडेंस टाइम? रेजिडेंस टाइम क्या है? रेजिडेंस टाइम इज द टाइम दैट द प्लास्टिक स्पेंड इन द मोल्डिंग बैरल। किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बैरल में किसी भी प्रकार के प्लास्टिक मटेरियल द्वारा बिताए गए समय को रेजिडेंस टाइम कहते हैं। टू बी प्रिसाइज, जो भी बॉटम से लेके हमारे हॉपर के बॉटम से लेके दोस्तों नोजल टिप तक जितने भी टाइम स्पेंड करता है हमारा प्लास्टिक मटेरियल, उसे हम रेजिडेंस टाइम कहते हैं। अगर प्रिसाइजली बोले तो इट इज द टाइम फ्रॉम वेयर द प्लास्टिक पैलेट इज एट द बॉटम ऑफ द हॉपर एंड ऑन द स्क्रू रेडी टू बी कन्वे अंटिल इट टाइम रीच द टिप ऑफ द नोजल। ठीक है दोस्तों, हॉपर के बॉटम से लेके हमारा नोजल के टिप तक। दोस्तों आशा करता हूँ आपको अभी क्लियर हो गया होगा व्हाट इज रेजिडेंस टाइम। इसको वीडियो में भी देख लेते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। दोस्तों ये देख सकते हैं, एक वीडियो है, ये देख सकते हैं आप, हमारा जो पैलेट है या मटेरियल है हमारा हॉपर में, हमने इसको फीड कर दिया। अभी ये हॉपर से दोस्तों ये हमारे बैरल में ट्रांजिट होगा। ठीक है दोस्तों, और हमारा बैरल में एक स्क्रू रहता है जिसके थ्री जोन रहते हैं, एक फीड जोन, ट्रांजिट जोन और मीटरिंग जोन। ठीक है दोस्तों, ये हमारा जो पैलेट है वो हॉपर के थ्रू यहाँ से आता है फीड जोन में दोस्तों। ठीक है, अब ये हमारा मटेरियल आगे जा रहा है और ये रहते हैं दोस्तों हमारे हीटिंग एलिमेंट, जिससे कि हमारा मटेरियल हीट होता है और वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब ये इंजेक्शन के लिए रेडी है। हमारा हॉपर से लेके नोजल के टिप तक जितने भी टाइम स्पेंड करता है उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों रेजिडेंस टाइम। ये देख सकते हैं दोस्तों, अब ये इंजेक्शन हो गया, अब ये चार्जिंग या डोजिंग के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको अभी क्लियर हो गया होगा व्हाट इज रेजिडेंस टाइम। दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा हमारा रेजिडेंस टाइम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में, इफेक्ट ऑफ लेस रेजिडेंस टाइम। अगर कम रेजिडेंस टाइम देते हैं तो क्या होता है? पहला रहता है नो प्रॉपर मिक्सिंग। प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगा दोस्तों, जो हमारा रेजिडेंस टाइम कम रहेगा तो दोस्तों तो हमारी मिक्सिंग जो है मटेरियल की वो कम होगी। प्रोडक्ट स्टेबिलिटी, ठीक है, इट विल रिड्यूस द प्रोडक्ट स्टेबिलिटी। अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी, इसकी बॉन्डिंग बराबर नहीं होगी हमारे पॉलीमर को पॉलीमर की, तो हमारी जो प्रोडक्ट है वो वेरिएशन आएगा प्रोडक्ट में, ठीक है, स्टेबल नहीं रहेगा। कलर वेरिएशन आल्सो, क्या कलर वेरिएशन आ सकता है अगर प्रॉपर मिक्सिंग नहीं होगी दोस्तों, तो हमारा जो मास्टर बैच है वो बराबर हमारा मिक्स नहीं होगा मटेरियल में, जिसके कारण हमारा कलर वेरिएशन आ सकता है। चौथा है दोस्तों, डायमेंशन चेंजेस में हैपन, ठीक है, डायमेंशन चेंज हो सकते हैं क्योंकि हमारी प्रॉपर मिक्सिंग नहीं हो रही है, प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं हो रही है, तो हमारे जो डायमेंशन है प्रोडक्ट के वो स्टेबल नहीं आएंगे। अगला पॉइंट है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ रेजिडेंस टाइम में, इफेक्ट ऑफ मोर रेजिडेंस टाइम एंड हाउ टू मैनेज इट। अगर हम ज्यादा रेजिडेंस टाइम दे रहे हैं तो क्या होता है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं? कलर में चेंज, दोस्तों अगर ज्यादा हीटिंग रहेगी, ज्यादा टाइम में रहेगा तो मटेरियल हमारा डिग्रेड होगा, मटेरियल डिग्रेड होगा तो उसमें कलर चेंजेस जरूर होंगे। ठीक है दोस्तों, प्रोडक्ट ब्रिटलनेस कैन इंक्रीज, इसकी ब्रिटलनेस भी इंक्रीज हो सकती है, जिससे कि हमारा जो वो टूट सकता है प्रोडक्ट टाइम में, ऑल्सो रिड्यूस, जो उसकी स्ट्रेंथ होती है वो रिड्यूस हो सकती है। हम लोग कैसे मैनेज करते हैं, हाउ वी कैन मैनेज थ्रू थ्रू बैक प्रेशर। हम लोग अगर बैक प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो दोस्तों जो स्क्रू है वो धीरे धीरे रोटेट होगा, हमारा प्रॉपर मिक्सिंग होगी, ठीक है, इससे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों बाय रिफिल टाइम, जो रिफिल टाइम है उसको भी हम लोग कम ज्यादा करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं। और तीसरा है दोस्तों प्रोडक्ट साइकिल टाइम, प्रोडक्ट साइकिल टाइम में हमारा कूलिंग टाइम, इंजेक्शन टाइम, ओपनिंग टाइम, क्लोजिंग टाइम, जितने भी हमारे उसमें जाके हम कम ज्यादा करके हम लोग इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारे इफेक्ट ऑफ रेजिडेंस टाइम। दोस्तों अगला टॉपिक रहेगा हमारा इंपैक्ट ऑफ रेजिडेंस टाइम में, डिफरेंस बिटवीन रिफिल टाइम एंड रेजिडेंस टाइम। दोस्तों ये अक्सर हमारा इंटरमीडिएट एग्जाम में पूछते हैं ज्यादातर, रिफिल टाइम और रेजिडेंस टाइम के अंतर बताइए। ठीक है दोस्तों, जो हमारा रिफिल टाइम रहता है दोस्तों वो है आफ्टर इंजेक्शन व्हेन द स्क्रू रोटेट बैक फॉर द नेक्स्ट शॉट द मटेरियल इज फ्रीड फ्रॉम द बैरल। The time taken in the process is called refill time और इसको feed time भी कहते हैं। और residence time दोस्तों अभी हमने देखा, residence time is the time that the plastic spent in the
मोल्डिंग बैरल, ठीक है दोस्तों, टू बी प्रिसाइज इट इज द टाइम फ्रॉम वेयर द प्लास्टिक पेडलेट इज एट द बॉटम ऑफ द हॉपर एंड ऑन द स्क्रू रेडी टू बी कन्वेड अंटिल द टाइम टू द टिप ऑफ द नोजल। किसी भी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन के बारे में किसी भी प्लास्टिक मटेरियल द्वारा बिताए गए समय को रेजिस्टेंस टाइम कहते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ अभी ये क्लियर हो गया होगा आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफिल टाइम एंड रेजिडेंस टाइम, ज्यादातर इंटरव्यू पूछते ही पूछते हैं। दोस्तों ये कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी टेक्निकल वीडियो है सबसे पहले आप ही को प्राप्त हो। थैंक यू।